जिस समय हम लोग राष्ट्रगीत का गायन कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं अपने मन की बात आपके साथ शेयर करूं। पिछले लगभग 8 माह के अंतराल में मुझे 12 देशों के विदेश दौरे पर जाने का अवसर मिला, और राष्ट्रपति होने के नाते एक परंपरा है, जिस प्रकार की यहाँ है उसी प्रकार की वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर मुख्य अतिथि बनकर के गया, तो स्वाभाविक है जो नेशनल एंथम होगा वो इंडियन नेशनल एंथम पहले, और उसी की कंटिन्यूटी में उनके देश का उनका नेशनल एंथम। और ये जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है उस समय भी यही होती है। मैंने प्रत्येक देश में देखा, स्वाभाविक है इंडियन नेशनल एंथम तो गाने वाले हम और हमारे अधिकारी 60-70 अधिकारी होते हैं उस देश में, जो इंडियन डायस्पोरा होता है वो लोग आते हैं, वो गीत गाते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो एक बड़े ऊंचे स्वर में और सामूहिक रूप से, और ऐसा लगता है कि उनको अपने देश के राष्ट्रगीत को गाने में कितना उत्सव, उसको उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं और हर्षोल्लित होकर के, और वो अपने राष्ट्रगीत को गाते हैं। वो आज मैंने आप लोगों के बीच में देखा। समाज के आप एक इनलाइटेंड कैटेगरी के लोग, मैं चाहूंगा कि जो परंपरा यहाँ आप अपने कार्यक्रम में रख रहे हैं, ये परंपरा हमारे पूरे देश में स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक आप प्रेरणा के स्रोत बने। अभी क्या होता है कि राष्ट्रगीत गाते समय स्वाभाविक है मंच पर, लेकिन मंच पर कितने लोग होते हैं। लेकिन ये भी होता है कि गाते गाते कभी कभी लोग बाद में, जब जो कंक्लूडिंग फंक्शन में होता है राष्ट्रगीत, उसमें लोगों को देखा है आपने, उनको इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि कहीं उनकी ट्रेन ना छूट जाए, बस ना छूट जाए, कार्यक्रम की समाप्ति के पहले ही, राष्ट्रगीत के पहले ही वो उठने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता कहीं ना कहीं इस पर हम लोग जो प्रबुद्ध वर्ग है समाज का, उसको एक आगे आना पड़ेगा, और इसकी हम एक परंपरा डालें। राष्ट्रगीत जब होगा पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वर के साथ, लय के साथ, और जब तक हम अपने पूर्ण स्थान नहीं छोड़ेंगे, जब तक राष्ट्रगीत का पूरा नहीं होता, मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। आपके एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरे होने पर आप सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई। मुझे बताया गया है कि इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अस्तित्व में आने से 10 वर्ष पहले हुई थी, और इसलिए इस अगर देखा जाए उनकी आयु की दृष्टि से, तो इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की आयु अधिक है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये शहर इलाहाबाद का शहर बौद्धिक रूप से अग्रणी होने की परंपरा के अनेक उदाहरणों में से एक है। माननीय केसी नाथ त्रिपाठी जी का यहां आने का आग्रह था, और वो भी फोन पर, तो मैंने एक सवाल इनसे किया था कि त्रिपाठी जी आप हमें ये बताइए, आपकी फ्रेटर्निटी जो है वो लीगल फ्रेटर्निटी रही है, आप ये मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए क्यों वकालत कर रहे हैं? तो उनका बहुत बहुत उपयुक्त उत्तर था। उन्होंने कहा कि मेडिकल फ्रेटर्निटी और लीगल फ्रेटर्निटी जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो एक समाज में नई गति और नई ऊर्जा आती है। और दूसरा उनका एक और जस्टिफिकेशन था कि मेरा गृह नगर है इलाहाबाद,
और यदि आप आएंगे तो हम सभी इलाहाबाद वासियों को बहुत प्रसन्नता होगी। त्रिवेणी संगम के तट पर बसे इलाहाबाद शहर में आकर हर किसी को प्रसन्नता होती है और मन भी करता है कि संगम तक पहुंच सके, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं। इलाहाबाद का कुंभ मेला प्राचीन काल से ही, जिसका उल्लेख किया माननीय राज रामनायक जी ने भी, प्राचीन काल से ही आकर्षण और अध्ययन का विषय भी रहा है। दिसंबर 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेला को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। बहुत बड़ी बात है। अब कुंभ मेला पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर बन गया है, ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। और इस पर मुझे बताया गया कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने पीएचडीज की हैं, उन्होंने इसको एज ए सब्जेक्ट चूज किया है कि भाई यहां पर 10 करोड़, अभी तो 15 करोड़ की बात होती है, 10 करोड़ से कभी कम नहीं आए, तो ये 10 से 15 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। और इतने ये विदेशों में उन्होंने लोगों ने सर्वे किया, उन्होंने कहा इतने लोग आते हैं और हर कोई अपना एक मिशन मान करके एक गंतव्य स्थल कि हम जाएंगे स्नान करेंगे, वो शरीर से कांप रहा है, कपड़े नहीं है, सब कुछ नहीं है, उनको कई असुविधाएं होती हैं यहाँ आने में, ट्रेन में, बसेस द्वारा, पैदल, कितना पैदल लोग चलते हैं स्टेशन से और वहां तक पहुंचते हैं, सब पैदल चले जाते हैं एक धुन में। और वो जो इसके बावजूद फिर भी कहीं किसी प्रकार का वायलेंस नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं टूटती। और इस पर इसलिए पीएचडीज हो रही हैं, ये एक इसकी जो प्रमाणिकता है इस त्योहार की, वो चूंकि इस इलाहाबाद शहर में होता है, इसलिए मैं आप सबको, इस इलाहाबाद होने के नाते आप सब लोग यहाँ के निवासी हैं, मैं आप सबको इस कारण से और भी एक अतिरिक्त बधाई देता हूं। साहित्य, विज्ञान, गणित, दर्शन, राजनीति और प्रशासन समेत सभी क्षेत्रों में इलाहाबाद शहर अनेक विभूतियों की जन्मस्थली और कर्मस्थली रहा है। यहां से भारतीय जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता सेना, उसके तो यहां कैंप्स लगते रहे हैं। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े 2 डॉक्टर्स पद्मश्री और 3 डॉक्टर बीसी राय अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे बताया गया है कि सप्ताह भर चलने वाला एसोसिएशन का शताब्दी वर्ष शताब्दी समारोह परसों डॉक्टर डे के साथ के रूप में संपन्न होगा। इस संदर्भ में एक महान राष्ट्र निर्माता डॉक्टर को याद करना बहुत प्रासंगिक है। डॉक्टर्स डे भारत में 1 जुलाई को मनाए जाने का एक विशेष कारण है। डॉक्टर बीसी राय की जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों ही 1 जुलाई को पड़ती है। वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, उन्हीं के सम्मान में भारत में डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसलिए इस डे को जो डॉक्टर्स डे है, और चूंकि ये डॉक्टर बीसी राय की जन्मतिथि और पुण्यतिथि 1 जुलाई को पड़ती है और उसको आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए इस शताब्दी समारोह की एक और भी एक उपलब्धि हम कहें या विशेषता, उसके लिए मैं आप सब आप एसो, आपके एसोसिएशन को मैं और भी बधाई देता हूं। बाद में डॉक्टर बीसी राय को भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। वे एक उत्कृष्ट और सफल डॉक्टर होने के साथ साथ एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कहा जाता है कि डॉक्टरी पेशे के प्रति उनकी निष्ठा, अपनी निष्ठा के कारण उन्होंने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव शुरुआती दौर में अस्वीकार कर दिया था। अर्थात उनके सामने 2 विकल्प थे,
मेडिकल प्रोफेशन में हम जुड़े रहें या फिर हम मुख्यमंत्री का दायित्व स्वीकार करें। मुझे लगता कि शायद आज की स्थितियां होती तो इससे बिल्कुल विपरीत होता। लेकिन इससे एक चीज पर जो है वो अंडरलाइन इसको करना पड़ेगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की तुलना में मेडिकल प्रोफेशन को ज्यादा प्राथमिकता दी, जिस प्रोफेशन से आप सब लोग जुड़े हुए। ऐसे उल्लेख भी पाए जाते हैं कि महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, जब महात्मा गांधी जी ने आग्रह किया था उनसे, और 14 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ और भी उन्होंने क्या किया था कि देश विभाजन के बाद उस बहुत कठिन दौर में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए भी वे निरंतर मरीजों की निःशुल्क सेवा करते रहे, बहुत बड़ी बात। और संयोग से उसी प्रदेश के राज्यपाल हमारे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, ये भी कैसा संयोग है। कहा जाता है कि डॉक्टर बीसी राय अपने जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने मरीजों को देखा था। उनके जीवन में एक डॉक्टर की सेवा भावना का आदर्श देखने को मिलता है, इसलिए डॉक्टर बीसी राय अवार्ड हमारे देश में डॉक्टरों के लिए सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। हमारे देश में अधिकांश लोग डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते, वे अपने और अपने प्रिय जनों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा आप सबको सौंपते हैं। इसलिए मेडिकल प्रोफेशन केवल एवोकेशन या जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, बल्कि ये एक नोबल प्रोफेशन है। और हम सब लोग जानते हैं, अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, प्रोफेशन और एवोकेशन। प्रोफेशन का पद एक मिशनरी होता है, एवोकेशन एक जीविकोपार्जन का एक जरिया होता है। और इसीलिए जो डॉक्टर्स का है उनको प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन कहा गया, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल एथिक्स की बात होती है, जबकि जो दूसरे एवोकेशन होते हैं उनमें एथिक्स की बात नहीं होती, उसमें केवल मॉरलिटी की बात होती है, और एथिक्स स्टैंड्स हायर देन दी मॉरल। मैं मानता हूं कि किसी के डॉक्टर्स के हितों का ध्यान रखने के साथ साथ मरीजों के, विशेषकर गरीब तबके के मरीजों के हितों को सर्वोपरि रखना आप सबका सामाजिक और नैतिक दायित्व है। मैं मानता हूं कि किसी मरीज को फिर से स्वस्थ बनाकर और किसी मरीज की जान बचाकर जो संतोष एक डॉक्टर को मिलता है उसका आंकलन पैसों से नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि जीवन में जो संतोष और जीवन की जो सार्थकता मिलती है उस दृष्टि से एक डॉक्टर का काम बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जो एक मरीज तड़प रहा है, कराह रहा है, उसकी जान जा रही है, और कभी कभी अपने मन में आंख बंद करके सोचता है कि शायद मेरा आखिरी समय है, उसके परिवार वाले सोचते हैं, और यदि आपकी मदद से, डॉक्टर की मदद से उसकी जान में जान आ जाए, वो बच जाए, उसका रोना दूर हो जाए, कराहना दूर हो जाए, तो मुझे लगता है कि उसको जितनी संतुष्टि होती है उससे बड़ी डॉक्टर को संतुष्टि होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने शायद ध्यान दिया होगा, नहीं तो मैं आज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 2017 जुलाई में, 25 जुलाई को मैंने जब अपना पद भार ग्रहण किया था, तो मैंने देश के नाम एक संदेश, समाज के मैंने कई वर्गों का उल्लेख किया था, और मैंने कहा था कि समाज के इनको मैं देश का राष्ट्र निर्माता मानता हूं। और कई वर्गों में एक वर्ग था जिसमें कि मैंने मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए डॉक्टर्स और ANM को भी रखा था, और इसलिए मैं आज भी कहता कि आप सब लोग एक ये पदवी नहीं है, एक ये मानसिक संतुष्टि है, और एक ये अप्रत्यक्ष रूप में आपको जो एक संतुष्टि देता है वो
वो शायद आपको प्रोफेशन और जो आपको आपको जो आपकी इनकम होती है उससे भी एक बहुत बड़ी चीज है, यदि आप मानेंगे कि आप राष्ट्र के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी जाने अनजाने में निभाते हैं। इसलिए मैं आज डॉक्टर्स आप सबको मैं कहता हूं कि यू आर द नेशन बिल्डर। हमारे देश में डॉक्टरों के परिश्रम और योगदान के बल पर अनेक पैमानों पर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 68 साल से अधिक हो गई है, जो कि आजादी के समय केवल 32 वर्ष थी। टीकाकरण के काम में बहुत प्रगति हुई है, अन्य बहुत से मानकों पर प्रभावशाली उपलब्धियां दर्ज की गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी चुनौतियों पर विजय पाना बाकी है। मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टलिटी में कमी लानी है, टीबी मलेरिया हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करनी है, साथ ही डायबिटीज और हार्ट एलमेंट जैसी लाइफ स्टाइल डिसीजेस पर भी नियंत्रण करना है। इन प्रयासों में सरकार तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ साथ आप सबकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय परंपरा में सबके कल्याण के लिए कहा जाता है कि सर्वे संतु निरामया, अर्थात सभी रोग मुक्त हों। सबके रोग मुक्त होने के इस लक्ष्य को पाने के लिए ट्रीटमेंट के अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन पर भी और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की नीति पर चलना बहुत लाभदायक है। प्रिवेंशन के लिए डॉक्टरों के साथ अन्य सभी स्टेक होल्डर जुटकर काम करेंगे तो व्यक्ति, परिवार और देश तीनों ही स्तर पर खर्च कम होगा तथा बेहतर स्वास्थ्य के अलावा नए बहुत से लाभ होंगे। सभी नागरिकों को कम खर्च पर समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी और आयुष्मान भारत योजना के तहत अनेक कदम उठाए गए हैं। जन औषधि केंद्रों की स्थापना की गई है तथा दवाओं और चिकित्सा के उपकरणों की कीमतों में कमी की गई है। परंतु अंततः डॉक्टरों की कर्तव्य परायणता ही जनहित में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं की धुरी है। ये सरकारी योजनाओं का अमलीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसको अपना कार्यक्रम न माने। यू हैव टू बी द सेंट्रल पॉइंट। और ये मत हम मान के चले कि ये सरकार की योजना है, अर्थात सरकार की योजना है भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हम सब उसी ध्येय के लिए यही काम करते हैं। इसलिए वी हैव टू बी ए पार्टनर। चिकित्सा के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सुविधाओं का व्यापक उपयोग करने से स्वास्थ्य सेवाएं और भी अधिक प्रभावी बनाई जा सकती हैं। आजकल टेली मेडिसिन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्व के अनेक देशों में बिग डेटा के इस्तेमाल से मरीजों को बेहतर उपचार देने की दिशा में काम हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि भारत में भी डॉक्टरों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स द्वारा इस दिशा में और अधिक काम किया जाएगा। अंत में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों को हर साल माघ मेला है, लेकिन कभी कभी कुंभ होता है, कभी कभी महाकुंभ होता है, लेकिन मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। और अभी 2019 में शायद महाकुंभ है, कुंभ इसमें है जो तीर्थ यात्रियों की सेवा करने का अवसर मिलता है आप सबको। अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ मेला पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। यह आप सबके लिए अपनी सेवा भावना को व्यक्त करने का एक महान अवसर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सदैव इलाहाबाद और भारत की मेडिकल फ्रेटर्निटी का नाम रोशन करेंगे। मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि जब बात हो रही थी इस एसोसिएशन की बिल्डिंग की, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, वी कैन से इट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एक्सीलेंट मॉन्यूमेंट।
लेकिन मैं सोच रहा था कि एक्सलेंट मॉन्यूमेंट यदि आप बना सकते हैं तो ये जो अभी अभी कुंभ का मेला आने वाला है इसमें आपकी सर्विसेज भी जो है एक्सलेंट हो सकती हैं, बशर्ते कि आप पूरा प्रयास करें और मुझे विश्वास है आप करेंगे। ये इस न केवल ये उत्तर प्रदेश, न केवल भारत, न केवल विश्व के लिए एक जो मान्यता है, एक जो श्रद्धा है इस संगम की, संगम के प्रति, और वो श्रद्धा मुझे कई विदेशों में देखने को मिली। वहां पर वो श्रद्धा जो देखने को मिलती शायद इससे भी बढ़कर है, लेकिन मैंने उल्लेख आप सबके सामने केवल इस निमित्त किया है कि उस श्रद्धा को, श्रद्धा की भावना को बनाए रखना, कहीं ऐसा ना हो कि एक लगे कि यहां पर जब 15 करोड़ लोग आए उनमें पता लगा कि साहब 500 या 2000 या 1 लाख लोग बीमार होकर के जा रहे हैं, किसी की कुछ दुर्घटना हो रही है। और जब होता है तो सबसे पहले सरकार पर ब्लेम करना एक बात है, लेकिन हम सब लोग यहाँ के निवासी हैं और आप सब लोग इतनी मुस्तैदी के साथ, मुझे पूरा विश्वास है, अपना प्रोफेशन यदि 1 महीने के लिए आपको उसकी गतिविधियों में कमी लाने पड़े तो प्लीज करिए, लेकिन वो जो श्रद्धा है संगम के प्रति, उस संगम की प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना, वो डॉक्टर्स आप सबकी, आप मेडिकल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है इस काम को भी आप पूरी एक्सलेंट सर्विसेज देकर के करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।